हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापत आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले जो पार्ट वन में एलजेब्रा पार्ट वन में हमने पढ़ा एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, बीजीय व्यंजक, ठीक है, पॉलीनोमियल, बहुपद के बारे में, पदों की संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण पढ़ा था। इन सब के बाद अब हम पढ़ रहे हैं आपके एलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि बीजीय सर्वसमिकाएं। बीजीय सर्वसमिकाएं वो सर्वसमिकाएं हैं इनके अध्ययन के बिना हम बीजगणित को सोल्व करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीज गणित कह दो इसको या बीजीय सर्वसमिकाएं। सर्वसमिकाएं ये वही सर्वसमिकाएं हैं जो पहले आप मोस्टली ज्यादातर पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन्हीं से रिलेटेड हैं। आपको देखो कुछ एक नई आइडेंटिटी है जो इसमें शामिल होंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सभी की पढ़ी हुई होगी, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और टू ए बी, टू ए बी। अब इसी पे माइनस की आइडेंटिटी लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो विस्तार होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। नेक्स्ट देखें, यदि हम इन आइडेंटिटी को ऐड करें, जोड़ें ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, इनको अगर हम जोड़ें तो अपना क्या आएगा, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां जो मैं ए बी के बारे में जो बता रहा हूं, ए और बी अपनी वो संख्याएं हैं, यहां चर ले लो चाहे अचर राशियां, ठीक है, उनमें ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, ए अलग है बी अलग है, ए अलग है और बी अलग है, यहाँ दोनों अलग अलग संख्याओं के ऊपर ये आइडेंटिटी परफॉर्म होती है। चलिए अब इनको सबट्रैक्ट करें हम, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर ए बी, फोर ए बी ये होगा इसका विस्तार हो जाएगा। अब इस थ्री टर्म्स के ऊपर लेते हैं, तीन पदों के ऊपर, तीन पद हो आपके पास ए बी और सी, इनका होल स्क्वायर, ए बी सी इनका होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा अपने पास विस्तार होगा इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू बी सी, टू सी ए, टू सी ए। क्लियर। अब हम थ्री टर्म आपकी जो स्क्वेयर वाली जो आइडेंटिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करें क्यूब वालों पे, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब, बी क्यूब, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया आपका। अब हम नेगेटिव वाली ले, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो यहां हो जाएगा अपना ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया इसका क्यूब के अंदर माइनस वाली आइडेंटिटी का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस की आइडेंटिटी है दोनों का क्यूब है दोनों पदों का,
तो आ जाएगा अपना a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। अगर मैं ऋणात्मक में लूं या नेगेटिव वाली में अगर हम ले यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहां आ जाएगा अपना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जहां आपने प्लस का सिंबल है वहां ए बी माइनस की, माइनस का सिंबल है वहां ए बी प्लस की, बाकी सेम टू सेम। चलिए तीन पदों पे एक आइडेंटिटी और है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी देखें क्या आएगा इसमें, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए कह दो इसको या ए प्लस सी कह दो। नेक्स्ट देखें यदि आपके पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी ये आइडेंटिटी है तो इसका एक्सपेंड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तीनों इसके ऊपर शामिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए इसमें इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यदि आपका ए प्लस बी प्लस सी इसका मान जीरो होता है, मान लो इसी सर्व समीका के अकॉर्डिंग देख लो यहां अगर इसमें जीरो मान रखा जाए तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका मान होगा थ्री ए बी सी, थ्री ए बी सी इसका मान हो जाएगा। क्लियर। अब इसके ऊपर ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं इसको आइडेंटिटी के ऊपर, हम देखते हैं। मान लो मैं यहां ए प्लस बी का और इसके ऊपर कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखूं, जैसे मैंने लिख दिया कि टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब यहां आप देखें दोस्तों सामने ये ए को इंडिकेट करता है ये बी को, दोनों जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, दोनों क्वांटिटी आपकी अलग अलग है, ए ए को और ये किसको डिनोट करता है, बी को डिनोट करता है। तो हम इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी एक्सपेंड करें तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू ए इंटू बी, तो यहां से इसका एक्सपेंड क्या बनेगा, फोर एक्स का स्क्वायर नाइन वाई का स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व और एक्स इंटू वाई, ये इसका विस्तार हो जाएगा। चलिए ये तो इजीली इंडिकेटेड है, आसानी से आप इनको सोल्व भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज। अब हम उन क्वेश्चनों पे चलते हैं जिनकी नजर एग्जामिनर रखता है। देखो एग्जाम में ज्यादातर एग्जामिनर है उनका मेन फोकस कहाँ होता है, आइडेंटिटी सिंपल आइडेंटिटी पे ना होके वो कैसे होगा आपका जो परीक्षा वाला होगा परीक्षक उसका ऐसी आइडेंटिटियों पर ज्यादा फोकस होता है। इस प्रकार के x प्लस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई इस प्रकार की आइडेंटिटियों पर उनका ज्यादा फोकस होता है और इन्हीं में से उनकी वैल्यू निकालने को अपने को कहा जाता है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मैं कहूं इफ
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री। अपने पास क्या हो, थ्री हो, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान अपने से पूछे। देखो हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, जो भी हमने सर्वसमीकरण पढ़ी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तो उसके अकॉर्डिंग, दूसरा किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम इसमें, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहां पहले मैं सर्वसमीका, आपको जो सर्वसमीका है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। देखो ये हो गया अपना एक्स प्लस एक बटा एक्स इज इक्वल टू थ्री, कितना हो गया ये थ्री हो गया। अब यहां हमें क्या चाहिए, दोनों जो टर्म्स हैं स्क्वायर में चाहिए, तो स्क्वायर में करने क्या अपने को इसका वर्क करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो मैथ में क्या होगा अपना इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दोनों पक्षों में समान राशि को जोड़ा भी जाएगा तो दोनों तरफ जुड़ेंगे, घटाया जाएगा तो दोनों तरफ घटेंगे, गुणा किया जाएगा तो दोनों तरफ गुणा होंगे, और भाग किया जाएगा तो दोनों तरफ गुणा होंगे। इसी प्रकार से हम स्क्वायर कर सके तो दोनों तरफ होगा, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्क करना पड़ेगा, करो इनका वर्ग, ये इसका वर्ग हो गया और ये इसका वर्ग हो गया। तो हम यहां वर्ग करते हैं तो x का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 a और b, 2 a b इज इक्वल टू 3 का हो गया अपना 9, थ्री का हो गया अपना 9, यहां से x x से डिवाइड हो गया, बच गया अपने पास इधर 2, तो x का स्क्वायर 1 अपॉन x का स्क्वायर और ये हो गया 9, ये प्लस 2 है, हमने इसको इस पक्ष में ट्रांसपोज किया तो माइनस में अगर अपना वैल्यू आ गई इसकी 7, वैल्यू आ गई इसकी 7 आ गई। अब हम इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग करें, ट्रिक के अकॉर्डिंग करें तो बिल्कुल सिंपली है, x प्लस 1 अपॉन x अपने को दे रखा है 3 और हमें चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे अपने को इसका मान चाहिए। तो इसका बिल्कुल इजीली ट्रिक है, यानी संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर माइनस टू। अगर प्लस वाली सिंबल से स्टार्ट है तो माइनस टू, और यदि माइनस वाले से स्टार्ट हो तो यहां प्लस टू रख देंगे। देखो संख्या अपनी थ्री है, थ्री का स्क्वायर माइनस टू, यानी थ्री का हो गया अपना 9 माइनस टू और ये आ गया अपना 7, क्या आ गया 7। तो ये होगी इसकी ट्रिक, बिल्कुल इजीली है, संख्या का स्क्वायर माइनस टू, प्लस की है तो 2 माइनस में लगा दो और माइनस की है तो 2 प्लस में लगा दो। देखिए और करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे मैंने माइनस वाली आइडेंटिटी को ऊपर ले लिया कि एक्स माइनस एक, इस प्रकार से मैं लिख दिया यहां इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 और आपसे पूछे फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी की वैल्यू पूछे। तो हम ट्रिक से करते हैं, डायरेक्ट इसकी ट्रिक यूज करते हैं, आइडेंटिटी से करने की भी कोई आवश्यकता नहीं अपने को, जब ट्रिक है तो उसी से करो। तो क्या आएगा इसका ट्रिक, इसकी माइनस की है तो प्लस का 2 लग जाएगा, संख्या का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि क्या मान आएगा अपना, देखो एक्स माइनस एक बटा एक्स है ये 4 है और हमें चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर। तो देखो संख्या का स्क्वायर, संख्या क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करो यहां प्लस 2, यानी कि 16 प्लस 2
और ये हो गए आपके 18, ये आ गया अपने इसके अकॉर्डिंग माइनस वाली के अकॉर्डिंग। माइनस का अगर सिंबल है तो प्लस का 2 लगा देना है, और यदि प्लस का सिंबल है तो माइनस का 2 लगा देना, इतना ही आपको करना है इसमें। अब हम एक क्यूब वाली आइडेंटिटी और करें, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपके पास और बोल दे कि इज इक्वल टू 3, कहे इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, इस प्रकार से आपसे पूछे। तो देखो पहले में सर्वसमी का इस पे एक बार सर्वसमी का अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपकी ट्रिक से दोनों को मैच करते हैं। अब देखो अपने पास ये जो संख्या है किस में चाहिए अपने को, क्यूब में चाहिए, यानी कि हमें इसका क्यूब करना है। देखें x प्लस 1 अपॉन x का इजिकल में 3, तो क्यूब करेंगे तो दोनों पक्षों में क्या कर दो, इसका क्यूब कर दो। तो यहां देखिए ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब b का क्यूब, ये हो गया b का क्यूब, क्लियर, प्लस 3ab 3 इंटू a इंटू बी इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 1/x और 3 का हो गया अपने बेटा इसमें साथियों 27। देखिए यहां x से x डिवाइड हो गया, 1x प्लस 1 अपॉन x इसकी वैल्यू आपके पास है, यहां कितना हो गया बताइए 3। तो देखो x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू भी कितनी 3 इज इक्वल टू 7। तो यहां अपने पास देखो x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9, और ये आ गया अपने पास 8, ये आ गया अपने पास 18। ये तो हो गया आपकी सर्वसमीका के अकॉर्डिंग, ये अपना किसके अकॉर्डिंग, सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हो गया। देखो अब हम इसमें करें ट्रिक के अकॉर्डिंग, प्लस और माइनस दोनों की ट्रिक इसमें अलग अलग लेंगे हम। तो इसमें देखो माइनस वाले के लिए अगर हम इसमें परफॉर्म करें माइनस वाले के लिए, तो माइनस वाले क्या आ जाएगा इसमें, इसी में अगर मैं माइनस का सिंबल रखना चाहूं माइनस का, तो माइनस के लिए क्या आ जाएगा, या माइनस का 3 3 9 इधर इसमें 36 हो जाएगा। यानी इसके लिए क्या ट्रिक बन रही है इसमें, देखो बिल्कुल सिंपल है इसकी ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। क्या होगा देखो, संख्या का क्यूब इसके क्यूब में क्या करो, इसका स्क्वायर को घटा दो। कब, जब प्लस की आइडेंटिटी हो अपने पास, प्लस वाला हो, तो संख्या का क्यूब कितना 3 का क्यूब और माइनस में 3 का स्क्वायर, क्लियर, इस प्रकार से इसमें कह सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 9 18। और अगर आपकी माइनस वाली आइडेंटिटी हो तो कैसे करेंगे, देखो तो इसमें करेंगे माइनस वाले में संख्या का क्यूब प्लस वो 27 36 इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा इसमें, क्लियर। अभी देखो और अदर संख्या लेके हम इसमें ट्रिक के अकॉर्डिंग इसमें माइनस की हो, जैसे इस प्रकार हो x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या आ जाए अपने पास 3 आ जाए, इसी के अकॉर्डिंग हो तो आप इसमें माइनस वाले में प्लस वाला लगा देना है, माइनस वाले में क्या लगा देना, इसमें प्लस वाला सिंबल इसमें लगा देना है, क्लियर। तो ओके दोस्तों।
आज की क्लास यही, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।